नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज प्री बीएसटीसी जिसे डीएलएड भी कहते हैं का एग्जाम हुआ था 2 बजे से 5 बजे के मध्य, और उसमें राजस्थान जीके से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं उनका हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मित्रों, इस एग्जाम में पेपर स्टूडेंट्स को एग्जाम होने के बाद में लौटाया नहीं जाता है बल्कि वहीं पर जमा कर लिया जाता है, तो इसी वजह से मेरे पास में पूरा का पूरा पेपर तो नहीं आया है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए थे उनकी स्मृति पर आधारित कुछ प्रश्न उन्होंने मेरे साथ में शेयर किए हैं, तो उन प्रश्नों का इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आंसर बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था घग्गर नदी से संबंधित कि घग्गर नदी किस जिले में बहती है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में बहती है। अगला क्वेश्चन था सामोद महल किस जिले में स्थित है, तो मित्रों सामोद महल जयपुर जिले में स्थित है। क्षेत्रपाल के बारे में क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रपाल क्या है, लोक देवता है या फिर लोक संत है या फिर ग्राम देवता या भूरक्षक है, तो क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था किस लोक देवी की पत्नी सती हुई है, तो इसमें चारों ऑप्शंस के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन काफी मित्र बता रहे थे कि तेजाजी का भी ऑप्शन आया था, तो तेजाजी की पत्नी भी सती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था मंडावा किसके लिए विख्यात है, तो मंडावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जो झुंझुनू में स्थित है, यहाँ पर भित्ति चित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस फसल को नरमा कहा जाता है, तो कपास की फसल को ही नरमा कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसे बढ़िया कहते हैं और नरमा भी इसी फसल को कहा जाता है, और कपास में भी आपको पूछा जाए तो अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है, ठीक है। ये श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ और राजस्थान के दक्षिणतम बांसवाड़ा जिले में उगाई जाती है। ये मित्रों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन जो पेपर है इसका लेवल बहुत ही इजी है और मोस्टली क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। मैंने आपको RSMSSB के सभी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करवाया, तो मोस्टली क्वेश्चन है वहां से भी आए हैं। आपने अगर वो पहले वाले मेरे मेगा वीडियो देखे हैं, लाइव सेशन देखे हैं, तो निश्चित रूप से आपने बहुत से प्रश्न है वो सही किए होंगे। अगला क्वेश्चन था सबसे ज्यादा जन घनत्व वाले जिले हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है जयपुर का है, उसके बाद में भरतपुर का है। मैंने ज्योग्राफी के लाइव सेशन में आपको बताया भी था कि 500 से अधिक जन घनत्व वाले जिले कितने हैं, 200 से अधिक वाले, 200 से कम वाले कितने हैं, 100 से कम वाले कितने हैं, तो यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। आगे है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है हमारा जालौर, और सर्वाधिक साक्षरता अगर आपको पूछा गया हो तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला होगा कोटा, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला भी पूछा है तो इसमें कोटा करेक्ट आंसर है। जंतर मंत्र वेदशाला के बारे में क्वेश्चन आया था कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने किस स्थानों पर वेदशालाओं का निर्माण करवाया, तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने 5 स्थानों पर वेदशाला का निर्माण करवाया जिसमें जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी प्रमुख हैं। आगे क्वेश्चन है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, तो राजपूताना मध्य भारत सभा 1919 में अस्तित्व में आई थी। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला और जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। आगे है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने करी, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी, सॉरी यहाँ पर मैंने भोगीलाल पंड्या लिख दिया, ये गलत है, गोकुल भाई भट्ट सही माने आप। झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। झांझ वाद्य यंत्र का वादन किस नृत्य में होता है, तो झांझ वाद्य यंत्र तेहरे ताली नृत्य जो कामड़िया पंथ की स्त्रियों द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है वहां पर होता है। फलकुबाई किस नृत्य से संबंधित है, तो फलकुबाई चरी नृत्य से संबंधित है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न था चंद्रावती से संबंधित, तो चंद्रावती सिरोही और आबू वाले प्रदेश को प्राचीन काल में चंद्रावती कहा जाता था, और
अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर मुख्यतः किस वंश का शासन था, तो परमार वंश का यहाँ पर शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व वाद्य नहीं है, जिसमें अलगोजा का भी ऑप्शन था, तो अलगोजा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलगोजा एक तत्व वाद्य नहीं है, बल्कि यह सुशीर वाद्य है, फूंक देकर देकर बजाया जाता है, ठीक है। और ये राजस्थान का लोक वाद्य भी है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, यानी कि प्रत्येक 1,000 स्त्रियों पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है 928। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करता, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज तो अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन अगर आपको उत्खनन कर्ता के बारे में पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी के थापर और बी बी लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलांगीत है, तो जलांगीत वर पक्ष जब बारात लेकर जाते हैं वधु पक्ष की ओर, तब वधु पक्ष की स्त्रियां वर पक्ष के बारात का जब डेरा देखने जाती है, तो इस प्रकार का गीत गाती है, जिसे जलागीत कहते हैं। भारतीय प्राचीन लिपि माला के जनक कौन है, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा को भारतीय प्राचीन लिपि माला के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन था, अमर सागर जैन मंदिर स्थित है, तो अमर सागर जैन मंदिर लोदरवा जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोक चित्रकला का अंग नहीं है, ऑप्शन थे पथवारी, फड़, बणी ठणी और सांझी। तो ये क्वेश्चन मित्रों पहले भी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो चुका है, और लोक चित्रकला का अंग जो बणी ठणी है ये नहीं है आपका। यहाँ पर ये जो बीच वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, बणी ठणी, पथवारी, फड़ और सांझी ये लोक चित्रकला का अंग है, लेकिन बणी ठणी है ये लोक चित्रकला ना होकर एक शाही चित्रकला है, ठीक है। नेक्स्ट है, रणखार के लेखक कौन थे, तो रणखार के लेखक IAS डॉक्टर जितेंद्र सोनी हैं। साहित्यिक कृतियों के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद सुमेलित करने का क्वेश्चन होगा, तो जिसमें मित्रों ने मुझे बताया कि एक तो सूरज प्रकाश दिया हुआ था, एक अजितोदय, तो कर्णिदान सूरज प्रकाश करेक्ट है, और अजितोदय भट्ट जगजीवन ने इसकी रचना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य आवासन मंडल कब अस्तित्व में आया, तो राजस्थान राज्य आवासन मंडल 1970 में अस्तित्व में आया था। लंगा और मांगणियार गायकी को किसने पहचान दिलवाई, तो देवीलाल सामर ने पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है इसकी स्थापना की, और इसके माध्यम से लंगा और मांगणियार गायकी को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का कार्य है वो किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सबसे अंत में संधि किसने की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत का नाम है सिरोही, जिसके शासक शिव सिंह थे, उन्होंने 1823 में इनके साथ में सबसे अंत में संधि है वो की थी। मावठ किस फसल के लिए लाभप्रद है, तो जो रब्बी में शीतकाल में जो भी फसलें होती है उसके लिए मावठ लाभप्रद है ही, जिसमें गेहूं सरसों प्रमुख फसलें हैं। ऑप्शन में कपास भी था, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो कपास हो जाएगा। सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला बीकानेर है, जो पाकिस्तान के साथ में 168 किलोमीटर सीमा है वो बनाता है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों के साथ में लगती है। अगर आपको सबसे ज्यादा पूछे तो मध्य प्रदेश, सबसे कम सीमा पूछे तो पंजाब बताना है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नसीराबाद सावनी जो अजमेर में है यहाँ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। सर्वाधिक भील जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो सर्वाधिक भील जनजाति बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर यानी कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कोटा सर्वाधिक साक्षरता वाला। अगर महिला साक्षरता वाला पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, झुंझुनू, ठीक है। राजस्थान में सांसद की संख्या कितनी है, तो राजस्थान से कुल 35 सांसद है वो जाते हैं, 10 सांसद तो राज्यसभा में और 25 सांसद है वो लोकसभा में जाते हैं, तो कुल सांसद अगर आपको पूछा जाए तो 35 बताना है। अगर आपको पूछा गया हो कि राजस्थान में राज्यसभा से कितने सांसद चुने जाते हैं, तो राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 25।
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो पता नहीं ऑप्शन में कौन कौन सी थी, लेकिन ये प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसमें चंबल, बनास, काली सिंध, बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी, ये प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भील कालीबाई किससे संबंधित है? तो भील कालीबाई 1947 में रास्तापाल हत्याकांड में शहीद वीरांगना है, तो ये डूंगरपुर के रास्तापाल से संबंधित है। ठीक है, तो मित्रों मेरे पास में स्टूडेंट्स के माध्यम से इतने क्वेश्चन है वो प्राप्त हुए हैं मुझे, और इसका मैंने आपको फटाफट आंसर देने का प्रयास है वो किया है। इसके अलावा भी आपके पास में जो भी क्वेश्चन जो शेष बचे हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं आंसर देकर उसी क्वेश्चन और आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूं, ताकि जो भी बाद में स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे तो उसको कमेंट के माध्यम से बाकी जो भी क्वेश्चन शेष बचे हैं वो दिख जाएंगे। और मित्रों इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या के साथ में विश्लेषण मिलता है, साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।